हमारे सारे के सारे जो मैसेज हैं वो सब इसी नंबर पर देखो फॉरवर्ड हो रहे हैं, हो रहे हैं कर रहे थे, तुम्हारी तरफ से जो मैसेज जा रहे हैं और ये कब से जा रहे हैं, सैटरडे को 1:04 पैसे कट गए हैं। तुम्हें कोई जानकारी है उसकी पैसे कैसे कटे तुम्हारे? नहीं सर कोई जानकारी, कोई जानकारी नहीं। तुम्हें अचानक से पता चला तुम्हारे पैसे कटे? वो भी ऐसे पता चला कि 3000 रुपए मैंने किसी को देने थे, वो ट्रांजेक्शन कर रहा था, वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो फेल हुआ तब मैंने बैलेंस चेक किया तो उसमें पैसे नहीं थे, 14081 पैसे थे, केवल 81 पैसे। 14000 रुपए का ट्रांजेक्शन तुम्हारा हुआ है 28/9 पर, हाँ सर, उसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं, उससे पहले मैंने पिताजी के फोन में बैलेंस किया था 99, उसके बाद कोई जानकारी नहीं। मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया हो? नहीं किया। कोई लिंक पे क्लिक किया हो? नहीं किया। किसी को ओटीपी दिया हो? ना किसी को ओटीपी, ऐसा कुछ नहीं। बस तुम्हारी जानकारी में तुम्हें पता ही नहीं पैसे कैसे कटे, कैसे कटे। मैं बाइक उठाने के लिए पैसे निकालता तो इसलिए उसको कैश दे रहा था मेरे को, तो मैंने चलो कोई फोन पे इसको 3000 कर दूंगा, 7000 एटीएम से निकाल लूंगा, तभी मेरे को पता है। चलो मैं मोबाइल में देख लेता हूँ कैसे क्या हुआ तुम्हारा। इसमें ये नंबर आ रहा है, नंबर को आप पहचानते हो? ये लिखा है 8910 नहीं पहचानते। तुम्हारे सारे के सारे जो मैसेज हैं वो सब इसी नंबर पर देखो फॉरवर्ड हो रहे हैं, हो रहे हैं कर रहे थे, तुम्हारी तरफ से जो मैसेज जा रहे हैं और ये कब से जा रहे हैं, सैटरडे को 1:04 से, ठीक है? सैटरडे मतलब आज सोमवार है, शनिवार, ठीक है, सोमवार है। क्या करते हैं ये लोग कि तुम्हारा मोबाइल जो है वो हैक है, पता है कि उस कैसे? एक मोबाइल में तुमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी, तुम्हारे अनजाने में हुई या किसी और व्यक्ति से हुई, लेकिन हो गई है। अब वो एप्लीकेशन तुम्हें कहाँ मिलेगी? वो एप्लीकेशन तुम्हें ना तो स्क्रीन पर कहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो हो जाती है हाइड, तो हाइड हो जाती है, जल्दी इंस्टॉल हो जाती है ना मोबाइल में, उसके बाद वो तुम्हें दिखेगी नहीं कहीं, ठीक है, तो वो हाइड हो जाती है। तो हाइड जो एप्लीकेशन है उसे ढूंढने के लिए हम जाएंगे फाइल मैनेजर, ठीक है, फाइल मैनेजर में हम गए। ये दिखाया जा रहा है APKS, उसके नीचे फोन लिखा हुआ है, APKS और AP की जो फाइलें हैं वो तुम्हारे मोबाइल में 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉट इंस्टॉल, तुम्हारे मोबाइल में आई है लेकिन तुमने इंस्टॉल नहीं किए हो, या क्या है? तीन पत्ती, दूसरा जो कैसीनो वाला, एक और है 77 बेस्ट, ठीक है। इधर ये ऑप्शन आ रहा है यूनियन बैंक, तुम चलाते भी हो, लेकिन जो जो बैंक का एप्लीकेशन है वो दूसरा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है ना ये तुम्हारा फ्रॉड कर रहा है। इसे एप्लीकेशन इसे तुम खोलोगे ना कुछ तुम्हें दिखाई नहीं देगा। नहीं सर कुछ नहीं दिखाई, ये मैं लाइव डेमो करके तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैसेज किस तरीके से जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। ज्यादातर ये लोग पता क्या करते हैं, मोबाइल तुम्हारा दिन में ही हैक कर लेंगे, लेकिन ये एक्टिविटी सीधी रात को करते हैं, क्योंकि रात में क्या इंसान सो जाता है मोबाइल रख के, उन्हें पता चलता नहीं है कि वो OTP आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, तो उनका ध्यान नहीं जाता, ठीक है, इसलिए रात को करते हैं। ये देखो ये नंबर तुम्हारा है, इस पे मैं तुम्हें हेलो लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने हेलो भेजा और देखो ये तुम्हारा ये हेलो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हटाओ मैं इसे, ठीक है, अब इस नंबर पे ऑटोमेटिक हेलो चला गया, ऑटोमेटिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तुमने मेरा मैसेज जो हेलो भेजा है वो सीन भी नहीं किया, ठीक है, एक OTP भेज दे, वैसे इको नंबर भेज दे। ये मैंने OTP जनरेट करके लो भेज दी मैंने, ठीक है, ये तुम्हारे पास गया, हां सर, उसके बाद देखो ऑटोमेटिक चल गया, दूसरे नंबर अपने आप दूसरे नंबर पर चला गया। क्या तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप उनके पास OTP आते रहेंगे, अपने पास सब चीजें अवेलेबल होती रहती हैं, ठीक है। अब इससे वो जो चाहे वो कर सकते हैं, तुम्हारा आधार कार्ड से तुम्हारा नंबर हटा दें, आधार कार्ड से तुम्हारा फिंगरप्रिंट लॉक करा दें, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये अब जैसे क्या है कि मैसेज फॉरवर्ड के लिए कॉल फॉरवर्ड के लिए कई कोड रहते हैं, जैसे 0/413/401, वो तुम कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये हो रहा है ना वो कोडिंग की वजह से नहीं हुआ है, वो एप्लीकेशन की वजह से हुआ है, तो इसलिए वो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। अब ये एप्लीकेशन को अपन अनइंस्टॉल कर देंगे ना तो फिर ये बंद हो जाएगा, बाकी तुम्हारा ये हमने
जैसे प्रोसेस हम किए देते हैं, ठीक है, प्रयास कराएंगे तुम्हारा पैसा वापस आ, ठीक है। तो इस तरह की जो एपी के फाइलें हैं या कोई लिंक आती है, इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्रॉड जो है ना आजकल पता है क्या चल रहा है, आजकल एक और एप्लीकेशन चल रही है किसान बीमा वाली, वो उसमें क्या है ग्रुपों में मैंने खुद देखा है, मेरे पास भी कई लोगों ने सेंड की, मैंने बताया कि ये गलत है ऐसा मत करो, किसी के पास फ्रॉड हो जाएगा कहीं हो जाएगी। क्या है कि किसान बीमा करके एक एप्लीकेशन बहुत चल रही है, वो लोग शेयर भी कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं उसे, और फ्रॉड हो रहा है। तो एपी के फाइलें जिस तरह से घूम रही है ना उन पर ध्यान देना, ठीक है।